जय हिंद वन मातरम। साथियों, यदि आपका भी कंफ्यूजन है कि बीबीए करें या फिर बीसीए करें, दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, तो साथियों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, और साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कोर्स में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि आपको बीबीए करना चाहिए या फिर बीसीए करना चाहिए, हमें कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट है। साथियों, दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं। एक एक कोर्स के बारे में पहले बात करते हैं कि बीबीए किसको करना चाहिए और बीसीए किसको करना चाहिए। तो साथियों, पहले बात करते हैं बीबीए की। साथियों, यदि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बीबीए आपका आप ऑनर्स में भी कर सकते हैं, आप कॉमन बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए करने के लिए आपने अपना 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है तो आप बीबीए कर सकते हैं। मिनिमम आपका 45% होना अनिवार्य है, तो आप अपना बीबीए कर सकते हैं। अब बात करेंगे साथियों कि बीसीए किसको करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अब बात करते हैं साथियों बीसीए के लिए, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथियों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यदि आपका कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपका मैथ में भी इंटरेस्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि बीसीए में आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ना होता है, क्योंकि मैथ आपका प्रोग्रामिंग जो होती है वो मैथ में ही आपको करनी होती है, तो आपका थोड़ा सा मैथ में भी इंटरेस्ट होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने 12th में मैथ लिया हो, यदि आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से भी किया है, कॉमर्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो भी आप अपना बीसीए कर सकते हैं। जो मैथ होता है वो आपका 10th लेवल का होता है, यानी कि 10th में आपने मैथ होना अनिवार्य है, तभी आप बीसीए कर सकते हैं। अब बात करें साथियों कि बीसीए और बीबीए में दोनों में से जॉब किस में ज़्यादा है। साथियों, जॉब दोनों में ही बहुत है, जॉब में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस डिपेंड करता है कि आपको सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है। यदि आप आज की डेट में कोई नॉर्मल बीसीए करेंगे या नॉर्मल बीबीए करेंगे, वहाँ पर एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं कराए जा रहे हैं, जैसे बीसीए में आपको एमएल में, मशीन लर्निंग में, एआई में कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं करा रहे हैं साथ के साथ, तो आपका बीसीए करना बेकार है, फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चुनाव करें, वहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ पर ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जा रहे हैं या फिर नहीं कराए जा रहे हैं। और कहने पर मत जाइएगा, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या कराया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं, लेकिन वहां पर कितना वो काम करते हैं वो डिपेंड करता है जो उनका फीडबैक उनके स्टूडेंट देते हैं। तो आप स्टूडेंट से फीडबैक जरूर लीजिएगा। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है, और ये दोनों ही केसेस में रखना है, चाहे फिर आप बीबीए करें या फिर बीसीए करें। इसी टाइप से आपके बीबीए में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है या किसी और कोर्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।